हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाजिर हूँ आपके सामने आज एक नया वीडियो लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर, जो आप फिलॉसफी का बातें करते रहते हैं, जो आप स्पिरिचुअलिज्म का बातें करते हैं, तो बहुत पुराना है ना। तो कुछ ऐसा कंटेंट चाहिए जो हम प्रेजेंट से रिलेट कर सके। तो मैं अभी एक सीरीज चला रहा हूँ, मैंने लास्ट में वीडियो कर चुका हूँ दीपा मलिक जी पर। ये नेक्स्ट जो वीडियो है दैट इज़ ऑन मानसी जोशी पर, राइट। शी इज़ ऑल्सो एन बैडमिंटन प्लेयर, राइट। तो इनका जो स्टोरी है ना, इस पूरी सीरीज का सिर्फ मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप ठान लो तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपके थॉट्स में पावर है तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपका बिलीफ सिस्टम तगड़ा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपको अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज करना है कि आप लाइफ में सक्सेस पा सकें, इसी की कवायद में आपके साथ ये सारी स्टोरीज शेयर कर रहा हूँ मैं। ये बहुत रीसेंट स्टोरी है जो करंट में, जिन्होंने अपने जो इच्छा शक्ति है उससे सक्सेस पाया। तो देखिए, ये कहानी है मानसी जोशी का। जो इनका क्या है, ये घुटने से के ऊपर से इनका पैर जो है वो काटना पड़ा ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशंस, ठीक है। और ये बचपन से ही प्लेयर थी, तो इनको क्या नाम है, शौक था कि मुझे स्पोर्ट में ही आगे जाना है। बट क्योंकि अब ये डिसेबिलिटी आ गया, इनका पैर जो है घुटने के ऊपर से कट करना पड़ा, तो इन्होंने जब रिहैबिलिटेशन में थे ये, तो इन्हों को लगा कि मैं बैडमिंटन बढ़िया खेल सकती हूँ। तो इन्होंने बैडमिंटन जो अपने रिहैब के टाइम पे बैडमिंटन खेलना चालू किया। अब आप देख, ध्यान से देखना, सी स्टार्टेड हर प्रोफेशनल स्पोर्टिंग जर्नी इन 2015, राइट। एंड 2020 में शी वॉज रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 2। आप समझ रहे, 5 साल में ये वर्ल्ड नंबर 2, नॉट इंडिया नंबर 2 नहीं, वर्ल्ड नंबर 2। एंड बाय 2022 शी वॉज रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1। आप समझ रहे, मतलब कितना एफर्ट होगा कि आपका एक पैर नहीं है, आप फिजिकली चैलेंज हो, और आपकी कितना दृढ़ इच्छा शक्ति होगी कि 5 साल में रैंक 2 और फिर अगले 2 साल में रैंक 1, ठीक है। इनको ग्लोबली बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिला है, जैसे कि टाइम मैगजीन ने इन्हें नेक्स्ट जनरेशन लीडर 2020 में फ्रंट एशिया में जो उनका एडिशन आया था उसके कवर पे इनको जगह दिया था। और ये शी वॉज फर्स्ट पैरा एथलीट इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट इंडियन एथलीट टू बी फीचर्ड ऑन द मैगजीन कवर, ठीक है ना। फर्स्ट पैरा एथलीट इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट इंडियन एथलीट, राइट। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, लाइक अर्जुन अवार्ड, जानते हो आपको प्लेयर्स को दिया जाता है, राज्य एकलव खेल क्रीड़ा पुरस्कार, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। इनके अवार्ड का लिस्ट आप देख लोगे, बॉर्न ऑन 11 जून 1989, पैरा बैडमिंटन प्लेयर, आप अवार्ड का लिस्ट देख लो। तो जो हर बार बहाना बनाते हैं ना, जिनको हर सोल्यूशन में एक प्रॉब्लम दिखती है, आइंस्टीन ने कहा था कि पीपल विद नेगेटिव माइंड हैव प्रॉब्लम इन एवरी सोल्यूशन, ठीक है। आप कभी भी बहाना मत मारो, ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। 1989, आप में से ज्यादातर लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है 90 से 95 के बीच में होगा, तो ये आपसे ज्यादा नहीं, 4-5 साल बड़ी होंगी बस। ये क्या है, मतलब आप समझते हो, जब आदमी फिजिकली डिजेबल्ड हो जाता है वो अपने सर्वाइवल के लिए रोता है, सर्वाइवल के लिए, कि मैं सर्वाइव कैसे करूंगा। और इन्होंने देखो कितने रिकॉर्ड्स बना दिए। आप सोचो, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करो, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करो, और खुद को भरोसा दिलाओ कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। अगर आपने ठान लिया तो सब कुछ संभव है, बस आपके अंदर वो जुनून, जज्बा और एक मेहनत करने का जो जोश है वो होना चाहिए। मैं ऐसी बहुत सारी और वीडियो बनाता रहता हूँ। मेरा एक मात्र उद्देश्य ये है कि जो हमारे यंग माइंड्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, वो थॉट सोचने की जो क्षमता होती है, जो दृढ़ संकल्प की क्षमता होती है, जो बिलीफ सिस्टम की क्षमता होती है, उसको पहचाने। तो मैंने नंबर ऑफ वीडियोस बना रखा है, मैं कई बार बता चुका हूँ। आप जैसे मैंने वीडियो बनाया है मेडिटेशन पर, खुद का जो मनस्थिति है उसको कैसे कंट्रोल करना है, जो फेमस लोग हुए हैं जैसे सुकरात, गुरु तेग बहादुर जी, शंभाजी महाराज,
प्रिजनर्स एक्सपेरिमेंट, ये सारी बहुत सारी वीडियोस मेरी अवेलेबल हैं, आप इनको देख के बहुत सारा जो इंस्पिरेशन है अपने लिए ले सकते हो और अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो। आई होप कि ये सारा जो मेरा मुहिम है उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा और आप अपने थॉट प्रोसेस और बिलीफ सिस्टम पे बहुत रेगुलरसली काम करेंगे।